welcome to virtual learning network this is session number 10 of production and operations management in this session we will be talking about material management topics to be covered in this session are definitions of material management aim of material management purpose of material management objective of materials management what are the various requirements principles and element of material management

कंपनी में स्टोर करने से रिलेटेड हो या फिर उसको यूज करने से रिलेटेड हो वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटीरियल्स फ्राम देयर इनिशियल परचेजेस थ्रू इंटरनल ऑपरेशन टू सर्विस पॉइंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम इस मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लान करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल को सो दैट वो अपने इनिशियल परचेज से लेकर फाइनल स्टेज जहाँ पे उसको प्रोसेस होना है उस स्टेज तक इफ़ेक्टिवली टाइम पे पहुँच सके मटेरियल मैनेजमेंट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक इसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं विच इज़ बेसिकली कंसर्नड विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटीरियल्स फ्राम देयर इनिशियल परचेजेस टू डेस्टिनेशन वो सारे मेथड्स वो सारी टेक्निक्स, जिससे हम एक मटेरियल को इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो वो फ्लो ऑफ मटेरियल है इनिशियल परचेजेस सप्लायर्स जैसे हम ले रहे हैं इनिशियल परचेजेस से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे इफेक्टिवली पहुँच रहा है दिस विल ऑल बी कंसिडर्ड इज़ मटीरियल मैनेजमेंट मटीरियल मैनेजमेंट का बेसिक एम ये होता है कि हम राइट right क्वालिटी के मटीरियल को राइट right क्वांटिटी में राइट right टाइम पे, राइट right प्लेस पे, राइट right कॉस्ट पे अवेलेबल करा सकें टू गेट दी राइट क्वालिटी जो क्वालिटी हमें चाहिए थी जो हमें क्वालिटी इंश्योर करनी थी उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लाइट क्वांटिटी में सप्लाई से हम जितनी सप्लाईज चाहिए थी राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज होनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर प्लेस पे प्लस कॉस्टिंग जो है उसकी वो भी राइट right होनी चाहिए ऐसा नहीं है आपने ओवर कॉस्ट या अंडर कॉस्ट है देन वॉट इज द पर्पज़ ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट बेसिक पर्पस मटेरियल मैनेजमेंट का ये होता है कि इकोनमी हम अचीव कर सकें परचेजिंग में परचेजेस हम जितनी ज़्यादा कर सकें कम से कम कॉस्ट में दैट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट देन टू सेटिस्फाई दी डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट जब भी प्रोडक्ट खत्म होने वाला है रॉ मटेरियल ख़त्म होने वाला है उस केस में डिमांड को सेटिसफाई करना टाइमली इज ऑल्सो दर्पज़ ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट देन टू कैरी रिजर्व स्टॉक्स टू अवॉयड द स्टॉकआउट हो सकता है पर्टिकुलर कंसर्न में स्टॉक्स जो हैं खत्म हो गए हों उस स्टॉकआउट को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मटीरियल मैनेजमेंट होना चाहिए बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है एक फर्म के लिए वाई बिकॉज अगर वो एक्सेस में ही फंड्स इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस केस में उनके फंड्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगे अदरवाइज उस फंड्स को वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे सो देट दे केन अर्न प्रॉफिट ऑन दी अदर हैंड अगर उन्होंने बहुत कम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है बहुत कम मटेरियल्स है जो उनके पास है उस केस में वो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे एंड फाइनली कस्टमर्स की डिमांड को भी मीट नहीं कर पाएंगे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस कंसर्न टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू नाउ टू स्टेबिलाइज दी फ्लक्चुएशन इन दी कंजशन कंजम्प्शन जो कस्टमर फाइनली कंज्यूम कर रहा है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती हैं हो सकता है डिमांड सडनली बढ़ जाए या सडनली कम हो जाए दोनों ही केसेज में आपको स्टेबलाइजेशन इंश्योर करना है देन टू प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसेज क्लाइंट की जो सर्विसज है उसको आपने बहुत रिजनेबल लेवल पर रीजनेबल प्राइस पे अफोर्ड कराना है अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं मटीरियल मैनेजमेंट की इसमें बेसिकली हम इनको बाइफर्ट कर सकते हैं दो अलग अलग हेड्स में फर्स्ट इज दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अदर इज दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मेन कंसर्न है जो मेन कंसर्न है एक ऑर्गेनाइजेशन का मटीरियल मैनेजमेंट के रिगार्ड में वो है कि राइट प्लेस पर मटीरियल्स को अरेंज करा सकें हाई टर्न ओवर ना हो लो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट हो कॉन्टीन्यू हमें सप्लाई मिल सके क्वालिटी हम कंसिस्टेंटली एश्योर कर सकें गुड सप्लायर रिलेशनशिप हो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल हम कर सकें एंड फाइनली इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर मटीरियल इज ऑल्सो गुड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट बट अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिवस भी होते हैं मटीरियल मैनेजमेंट के लाइक like फॉरकास्टिंग इंटर डिपार्टमेंटल हारमोनी होनी चाहिए अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने हैं सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले ये इंश्योर करना होगा कि इतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनसे इतने आउटपुट्स बन सके देन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कॉन्टीन्यूसली करते रहने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वेदर फर्म वॉन्ट टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग और बाय और डिसीजन में हेल्प करता है देन मटीरियल्स और प्रोडक्ट्स अगर नए बाय करने हैं उसमें हेल्प करता है प्लस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स फेवरेबल हैं या नहीं है उस रिलेशनशिप को स्टडी करने में मटीरियल मैनेजमेंट हेल्प करता है देन इकोनॉमी इन मटीरियल मैनेजमेंट बेसिकली इसमें हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं फर्स्ट दी कंटेनिंग दी कॉस्ट एंड इंस्टेलिंग दी इफिशियंसी इन ऑल दी एक्टिविटीज सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉस्ट लगे हमारी एक पर्टिकुलर मटेरियल को एक्वायर करने के लिए देन वी विल इंस्टेल दी इफिशियंसी इन ऑल दी एक्टिविटीज जो हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हम इफिशियंटली कर सकें देन वट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट मटीरियल मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है फर्स्ट टू हैव एडिकुएट मटीरियल ऑन हैंड वैन नीडिड जो भी मटीरियल जब भी चाहिए वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देन टू पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइजेस कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी एंड वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर परचेज मटीरियल जितना कम से कम प्राइस हो सके उतने कम प्राइज में ही एक मटेरियल को एक्वायर करना चाहिए एक फ़र्म को प्लस क्वालिटी भी इंश्योर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि कम कॉस्ट के चक्कर में क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर दिया जाए नहीं क्वालिटी भी इंश्योर होनी चाहिए विथ लोएस्ट पॉसिबल प्राइजेस देन टू मिनिमाइज दी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जितना भी पैसा एक फ़र्म ने इन्वेंट्री पर लगा रखा है उसे कम से कम पिलाना चाहिए देन ऑपरेट एफिशिएंटली जितने भी रिसोर्सेज हैं मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को इनकर करके जो भी रिसोर्सिस इकट्ठे किए गए हैं उनको एफिशियटली किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है देन वट आर देरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन नाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है अगर आप सक्सेसफुल मटेरियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं प्लस अ टाइट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड सुपरविजन हमें डिफरेंट मैनेजीरियल फंक्शंस में करना पड़ता है बेसिकली प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जो अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में वो हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग प्लानिंग रिसोर्स कितने कहाँ से मटीरियल कहाँ से लेने हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है डिफरेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ को स्टाफिंग कौन कौन से लोग चाहिए पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डायरेक्टिंग हु विल भी सुपरवाइजिंग ऑल द पीपल कंट्रोलिंग कैसे अपनी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स को मेजर करेंगे अगेंस्ट योर एक्चुअल परफॉर्मेंसेज रिपोर्टिंग होगी फाइनल स्टेक होल्डर्स को एंड बजटिंग जितनी कॉस्ट अलॉट होनी थी पर्टिकुलर एक्टिविटी को उतनी ही फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं या फिर नहीं देन साउंड परचेजिंग मैथड साउंड परचेजिंग मैथड वो सारे परचेजिंग मैथड्स फॉलो करने चाहिए विच इज़ इन दी फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आप ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं हो सकता है आप एन नंबर ऑफ़ सप्लायर से डील कर रहे हैं बट यू शुड ऑलवेज गो फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट पॉसिबल रेट्स पेड़ प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके देन स्किलफुल एंड हार्ड पॉइस नेगोशिएशंस वेन एवर यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर मटीरियल नेगोशिएशंस हमेशा होती हैं सो स्किलफुल नेगोसिएशन होना चाहिए ताकि बेस्ट पॉसिबल प्राइस में एक ऑर्गेनाइजेशन को मटीरियल जो अवेलेबल हो सके देन इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम परचेज जितनी इफेक्टिवली हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल टाइमली होनी चाहिए ऑर्डर टाइमली जाए टाइमली डिलीवरी हो जाए अच्छी सर्विसेज हों दैन इट शुड ऑलवेज़ भी सिम्पल ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे देन मस्ट नॉट इंक्रीज अदर कॉस्ट एज वेल ये नहीं है कि आपके मटीरियल मैनेजमेंट में इतनी कॉस्ट इनक्र हो रही है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारी इंक्रीज होती जा रही है देन सिम्पल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स एक कम कंपनी को करते रहने चाहिए ताकि मटीरियल मैनेजमेंट एफिशेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सके नाउ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट आर फर्स्ट द डिमांड एस्टिमेशन जितने भी मटीरियल अरेंज कराने हैं बिजनेस कंसर्न ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इट इंटायरली डिपेंड्स कि डिमांड कितनी है प्रोडक्शन यूनिट में एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज की डिमांड क्या है देन वी विल आइडेंटिफाई दी नीडेड आइटम्स कौन कौन सी आइटम्स हैं जो पर्टिकुलर डिमांड को पूरी करने के लिए चाहिए देन कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड इन कंजम्पन ड्यूरिंग दी लास्ट टू ईयर्स लास्ट टू ईयर्स के ट्रेंड को हम एनालसिस करेंगे कि क्या क्या कितने रिसोर्सेज हम एक पर्टिकुलर डिमांड को पूरी करने के लिए चाहिए देन वी विल रिव्यू विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स वो सारे फैक्टर्स जो लिमिटिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप रिसोर्सिस को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पा रहे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत अच्छा मैन पावर है जिससे आप एफिशेंटली प्रोडक्शन कर सकते हैं बट आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं हैं जिसकी वजह से आप और बाहर से रॉ मटेरियल्स को खरीद सकें दैट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज़ बेसिकली अ कंस्ट्रेंट Then what is a procurement cycle? फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल रिव्यू दी सिलेक्शन वी विल डिटरमाइन नीडेड क्वांटिटीज पहले हम डिसाइड करेंगे सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए हम प्रोक्योरमेंट साइकिल स्टडी कर रहे हैं देन वी विल आइडेंटिफाई दी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है हम क्वांटिटी की जो नीड है उसको रिकनसाइल करेंगे फंड से हम दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करेंगे देन वी विल चूज़ दी प्रोक्योरमेंट मेथड किस तरीके से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर रिसोर्सेज को प्रोक्योर कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं वी विल सिलेक्ट पर्टिकुलर सप्लायर्स जहाँ से हमें वो रॉ मटेरियल मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म डिसाइड कर लेंगे मॉनिटर ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर का जो स्टेटस है कि अब किस स्टेज पे है वो ऑर्डर उसको एनालाइज करते प्लस वी विल जो ऑर्डर हम हमने मंगाया था जो ऑर्डर हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग्स में ही डिलीवरी है या फिर कोई डेविएशन है Now what are the objectives of procurement system? ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं क्यों हम प्रोक्योरमेंट सिस्टम पे इतना एम्फोसाइज करते हैं तो फर्स्ट इज एक्वायर नीडेड सप्लाईज एज़ इन एक्सपेंसिवली एज पॉसिबल जितना भी इन एक्सपेंसिवली एक सप्लायर प्रोडक्ट्स को अरेंज करा सकता है उतना इन एक्सपेंसिवली कराना चाहिए देन ऑप्टेन हाई क्वालिटी सप्लाईज़ हमारे पास फोर फाइव सिक्स कोई ऑप्शन हैं सप्लायर्स के प्रोक्योरमेंट साइकिल के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा हाई क्वालिटी सप्लाई हमें दे सकता है और उसी सप्लायर को हम चूज़ करते हैं देन ए श्योर प्रॉम्प्ट एंड डि डिपेंडेबल डिलीवरी हम वो डिलेवरी को चूज करेंगे जो बहुत प्रॉम्प्ट हो डिपेंडेबल हो ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में आपको सप्लायर हो उसने मना कर दिया दैट सो एंड शो डिलीवरी कैन नॉट बी डन टूडे इट्स शुड ऑलवेज बी एडवाइजेबल कि डिपेंडेबल सप्लायर को ही चूज किया जाए प्लस ही शुड ऑलवेज भी रेडी टू गिव यू दी प्रोम्प्ट सर्विसेज जल्दी से आपको वो डिलीवरी दे सके देन डिस्ट्रीब्यूट दी प्रोक्योरमेंट वर्क लोड टू अवॉइड पीरियड ऑफ आइडलनेस एंड वर्क ओवर वर्क प्रोक्योरमेंट का जितना भी काम है जितना भी वर्कलोड है उसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए सो so दैट जो डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लॉयज इन्वॉल्व है पर्टिकुलर प्रोसेस में वो कोई भी खाली ना बैठे या फिर ओवर वर्क से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन परेशान ना हो देन ऑप्टिमाइज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू अ साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स इन्वेंट्र मैनेजमेंट को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है ऐसा लेवल इन्वेंट्री का इंश्योर करना है जिससे इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का ना फर्म के कैपिटल ब्लॉक हो ना कस्टमर की डिमांड अनसेटिस्फाइड हो हमें साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है दैन देर आर वेरियस पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल परचेजिंग जब हम मटीरियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो परचेज़ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है फर्स्ट दी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जिस तरीके का प्रॉपर हमें रॉ मटीरियल चाहिए था वैसा ही रॉ मटीरियल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेक्सटाइल के अगर आप इंडस्ट्री में आपको कॉटन का फैब्रिक चाहिए था डज नॉट मीन आपकी सिंथेटिक का फैब्रिक ले लेंगे नो no. आपकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको मटीरियल जो है प्रोक्योर करना चाहिए सिंगल सप्लायर आपको डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से पहले कोटेशंस मंगानी चाहिए जो सप्लायर आपको कम से कम प्राइस कोट करता है उसी सप्लायर से आपको प्रोडक्ट ले लेने चाहिए बट यू नीड टू इंश्योर की जो क्वालिटी मेजर आपको इंश्योर करना था वो क्वालिटी भी उसमें हो देन कंपेरिजन ऑफ अदर बेस्ड ऑन बेसिक प्राइस एंड इंश्योरेंस टैक्सेस एंड डिवाइस अलग अलग कॉस्ट को हम मेजर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे देन क्वांटिटी एंड पेमेंट डिस्काउंट अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं क्वांटिटी में खरीद रहे हैं सो आपको पेमेंट में कितना डिस्काउंट एक पर्टिकुलर सप्लायर दे रहा है यू नीड टू कंसीडर दिस एज वेल देन पेमेंट टर्म्स आपको पूरी पेमेंट कैश में करनी है आप क्रेडिट पे पर कर सकते हैं चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं वेरियस टर्म्स जिसके बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं देन डिलीवरी पीरियड कितने टाइम में एक सप्लायर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देगा रॉ मटेरियल कितनी जल्दी कितनी प्रॉम्प्ट सर्विस है उस डिलीवरी की आपको जल्दी भेज सके देन गारंटी गारंटी एक पर्टिकुलर सप्लायर ले भी रहा है या नहीं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यू शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू सच सप्लायर्स जो आपको गारंटी भी देते हैं देन वेंडर रेप्यूटेशन आप जिस पर्टिकुलर सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स जो हैं खरीद रहे हैं देर हैज टू बी प्रॉपर रेप्यूटेशन

स्टोरेज मस्ट बी ऑफ एडिक्वेट स्पेस जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए उतनी पर्टिकुलर प्लेस को आपको यूज़ करना चाहिए मटेरियल मस्ट बी स्टोर्ड इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस इन अ करेक्ट वे जिस तरीके से प्रोडक्ट को सेव करना चाहिए स्टोर करना चाहिए उसी तरीके से आपको करना होगा देन ग्रुप वाइज एंड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्रीवल अगर हम जब प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं अगर हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं इट इज़ ऑलवेज ईजी टू आइडेंटिफाई अ टिकुलर प्रोडक्ट प्लस आपको जब भी अगर फ्यूचर में उन्हें रिट्रीव करना होगा दोबारा से यूज करना होगा यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द एल्फोबेटिकल ऑर्डर

रिजर्व बिन शुड कंटेन स्टॉक दैट विल कवर लीड टाइम एंड अ स्मॉल सेफ्टी स्टॉक हमें एक रिज़र्व बिन रिजर्व मेंटेन करके रखना चाहिए रिजर्व बिन में जिसमें अगर इफ़ सपोज कभी स्टॉक अगर कम पड़ जाए शॉर्ट हो जाए स्टॉक इन दैट केस वी कैन यूज दैट रिजर्व बिन देन वट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल इट मीन्स स्टॉकिंग एडिकुएट नंबर एंड काइंड ऑफ स्टोर्स सो दैट द मटीरियल आर अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड एंड वेन एवर रिक्वायर्ड साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल रिजल्ट इन ऑप्टीमल बैलेंस इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली वो सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी ऑफ मटीरियल वी कैन इंश्योर ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक कर दिया इन्वेंट्री में अदरवाइज जो भी कंपनी अलग बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी वो सारी अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है कंपनी को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इन्वेंट्री कंट्रोल में हम बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक ऑप्टिमल बैलेंस मेंटेन कर सकें विद इन दैट रिसोर्स अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या क्या होते हैं फर्स्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम सप्लाई सर्विसेज जितनी ज़्यादा सप्लाई एक कंसिस्टेंट सप्लाई मैक्सिमम एफिशिएंटली सप्लाई एक बिजनेस कंसर्न कर सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो सप्लाई इंश्योर कर सके देन टू प्रोवाइड क्वेश्चन बिटवीन दी फॉरकास्टेड एंड एक्चुअल डिमांड फॉर अ मटीरियल जो हमने डिमांड फॉरकास्ट की थी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्लस जो एक्चुअल डिमांड है मटेरियल की उसके बीच में एक हम एक ब्रिज मेंटेन कर सके नाउ और इन्वेंट्री कंट्रोल का एक बहुत फेमस मॉडल है दैट इज़ अ ई ओ की मॉडल ई ओ क्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वान्टिटी ई ओ क्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज मंथली कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करके लीड टाइम से प्लस बफर स्टॉक एड कर सकते हैं माइनस स्टॉक इन हैंड ख नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल में जब हम बात करते हैं इसमें हम बहुत सारी और टर्म्स को यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल री ऑर्डर लेवल री ऑर्डर लेवल इज बेसिकली वो लेवल स्टॉक का जिस टाइम आपको फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है एवरेज कन्जम्पन पर डे इन टू लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक इज यूज टू कैलकुलेट दी ईओ क्यू लीड टाइम क्या होता है लीड टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ द मटीरियल आइडियल टाइम टू टू सिक्स वीक होता है बेसिकली जिस टाइम कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही होती देन Another tool for inventory control is ई analysis. ABC is always better control. This is based on the cost criteria. इसमें हम कॉस्टिंग के बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज सिलेक्टिव कंट्रोल व्हेन कन्फ्रंटेड विद लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं एक बिजनेस कंसर्न में उस टाइम हम ए एनालिसिस को बेसिकली यूज़ करते हैं अबाउट टेन ऑफ मटीरियल कंज्यूम सेवेंटी ऑफ़ द रिसोर्सेज टन परसेंट मटीरियल ऐसा होता है जो सेवेंटी परसेंट रिसोर्सेज को यूज़ करता है ट्वेंटी परसेंट मटीरियल ऐसे होते हैं जो ट्वेंटी परसेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एंड सेवेंटी परसेंट मटीरियल ऐसे होते हैं जो खाली टेन परसेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं इसी बेसिस में हम कैटेगरीज ए बी एंड सी में रिसोर्सेज को बांट देते हैं अब ए आइटम्स कौन सी होती हैं ए आइटम्स विच आर स्मॉल इन नंबर बट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं कंपनी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें लगे हुए हैं दे मस्ट हैव अ टाइट कंट्रोल अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल होगा तभी वो रिसोर्सेज को हम एफिशेंटली यूज़ कर पाएंगे राइट एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो जो रिक्वायरमेंट हैं उसको हमें सही तरीके से एस्टिमेट करना चाहिए स्ट्रिक्ट एंड क्लोजर वॉच बहुत स्ट्राइट स्ट्रिक्ट आपको वॉच रखनी होती है उन आइटम्स में बाई बिकॉज अ लॉट ऑफ फंड्स बीइंग इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइटम्स लो सेफ्टी स्टॉक हम बहुत कम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ जाएगा कंपनी को अगर हम उसका हाई स्टॉक मेंटेन करेंगे देन मैनेज बाई द टॉप मैनेजमेंट एज दीज आइटम्स इट इन्वॉल्व द इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स बाई दी कंपनी इसलिए इसमें पर्सनली टॉप मैनेजमेंट जो है ध्यान

दे मस्ट हैव अ मॉडरेट कंट्रोल बहुत मीडिया टाइप ऑफ कंट्रोल इसके लिए मैंटेन किया जाता है परचेज विजिट रिक्वायरमेंट्स नहीं है रीजनेबली स्ट्रिक्ट वॉच नहीं होता बिकॉज नॉट ऑल ऑफ द फंडस बिंग इन्वेस्टिड इन दीज काइंड ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा फंड इसमें ब्लॉक नहीं होते इन काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज में इसलिए इतना टाइट कंट्रोल नहीं मैंटेन किया जाता सेफ्टी स्टॉक्स जो हम मैंटेन करते हैं वो बहुत मॉडरेट लेवल होता है प्लस मिडिल मैनेजमेंट जो होती है इस पर एक टाइट कंट्रोल रखती है Then we have VED analysis. VED stands for vital, essential, and desirable analysis. It is based on critical value and shortest cost of an item. इट इज़ सब्जेक्टिव एनालिसिस आइटम्स को हम तीन अलग कैटेगरी में बांट देते हैं वाइटल जिसकी शॉर्टेज हम बिल्कुल टॉलोरेट नहीं कर सकते इसेंशियल शॉर्टेज कैन बी टॉलरेटेड बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड डिजायरेबल शॉर्टेज विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट बट मैनी बी यूजिंग मोर रिसोर्स हम उस डिजायरेबल वो जिनकी शॉर्टेज अगर हो भी जाती है प्लस उस केस में हम अलग कोई और रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं नाउ प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर परचेज ऑफ एन इक्विपमेंट आर जब भी हम कुछ नए इक्विपमेंट्स को मशीन्स को परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है फर्स्ट इट शुड ऑलवेज बी ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए मेंटेनेंस उसकी ईजी होनी चाहिए रिपेयर की फैसिलिटी होनी चाहिए पोस्ट वारंटी रिपेयर रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाना चाहिए अपग्रेड करने का ऑप्शन होना चाहिए देन रिप्यूटेड मैनुफैक्चर से आप खरीद रहे हैं या नहीं कंज्यूमेबल ईजिल अवेलेबल है या नहीं प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसकी लो होनी चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आप उसको डे टू डे यूज़ करेंगे इक्विपमेंट्स को जो उसको जो यूज़ करने की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए देन इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने लग रहे हैं प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं दैन प्रिवेंटिव एंड मैंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स वंस यू हैव परचेज द इक्विपमेंट्स आपको उन्हें मेनटेन भी करना पड़ता है सो परचेज़ विद वारंटी एंड स्पेयर जितने स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है उन सबके साथ वारंटी के साथ एक पर्टिक प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए देन सेफ गार्ड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक इक्वमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो जब आता है तो वो स्टेबलाइज नहीं होता इसलिए उनको सेफ गार्ड करने के लिए हम स्टेबलाइजर्स यूपीएस यूज करते हैं वो सब चीज़ें भी लेनी चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ़ द इलेक्ट्रिसिटी वाटर स्पेस एटमोस्फेरिक कंडीशन मस्ट बी टेकन इन टू कंसीडरेशन एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है कितनी स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगा इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए एंड फाइनली वेल इक्विप्ड मेंटेनेंस सेल मस्ट बी अवेलेबल ट्वेंटी फोर एक ऐसा सेल होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विच व कि की हर एक इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस की जा रही है नाउ ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी ऑपरेटेड एज पर दी ट्रेन स्टाफ जो भी आपके पास ट्रेन स्टाफ है उनके पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि कैसे पर्टिकुलर इक्विपमेंट को आप मेंटेन करेंगे ए करा सकते हैं मैनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर सकते हैं देन मेंटेनेंस सेल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं देन वी कम्युनिकेशन बिटवीन दी मेंटेनेंस सेल एंड सप्लायर्स ऑफ द इक्विपमेंट अगर मेंटेनेंस सेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है एक्स पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मेंटेन करने में दे कैन डायरेक्टली हैव कम्युनिकेशन विद द सप्लायर ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट फॉलो अप कर सकते हैं मेनटेनेंस के लिए बार बार देन वी कैन गो फॉर द रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट्स अगर किसी आउटसाइड एजेंसीज को हायर करना पड़ रहा है फॉर प्रिवेंटिव और फॉर मेटे is we can go for that now condemnation and disposal of equipments usually companies जल्दी-जल्दी अपने इक्विपमेंट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करती बट कुछ केसेस में कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सो so, ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कंपनी कोई एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को यूज करना बंद करना होता है उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं फर्स्ट द नॉन फंक्शनल एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो सकता है एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू 10000 रुपए है लेकिन उसको रिपेयर करने की पच्चीस हज़ार रुपये कास्ट है सो इन दैट केस इकोनॉमिकल रिपेयर नहीं पॉसिबल इन दैट केस कंपनी विल डिस्पोज ऑफ दैट इक्विपमेंट नॉन फंक्शनल एंड ऑप्सुलीट वो ऑप्सुलीट हो गया है बिल्कुल काम नहीं कर रहा फंक्शनल है काम कर रहा है बट आउटडेटेड हो गया है हजारडस है हो सकता है जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उन पर बहुत हजारडस इफेक्ट पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के देन फंक्शनल है बट इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड अब आपको उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है नाउ दिस आर द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस फर्स्ट वट आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसप्ले मटीरियल मैनेजमेंट वर्कस अपॉन दैन एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट इन डिटेल डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड देन एक्सप्लेन वेरियस टेक्नीस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू